हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपिक टच। आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल के सूत्र समझेंगे। सबसे पहले माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी तथा प्रथम एन पदों का योगफल एसएन है, तब सूत्र होगा एसएन बराबर, एस का मतलब होता है सम, सम मीन्स योगफल, एसएन बराबर एन बाय टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा है sn बराबर n बाय टू ए प्लस एल, जहाँ l अंतिम पद है और l बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए देखते हैं इसकी प्रश्नावली। इसको सॉल्व करते हैं। सवाल है समांतर श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे इसे। एपी शॉर्ट में लिखिए, समांतर श्रेणी एपी है 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग फल हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ए है 8, सार्वंतर डी, प्रथम पद 8 हो गया, सार्वंतर डी दूसरे में से पहला घटाएंगे, 3 - 8 से -5 बचे, और एन है 22। अब चूंकि सूत्र है एपी के एन पदों का योगफल का एस एन बराबर एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस 22, इसलिए एस 22 बराबर 22/2, 2a का मान है 8, एन का मान 22 - 1, डी का मान 5.5, 2 से भागे 11 बार, 8 × 2 = 16, 21 × 5 = 105, 21 × 5 = 105, 11 × 105 में से 16 घटा दें, 105 में से 16 घटा दें, 89 बचे माइनस के, 89 बचे, 11 × 99 = 9, 11 × 8 = 88 और 9 97 माइनस के आंसर आ गया। तो ये हो गया समांतर श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एपी है 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल, प्रथम पद ये है 8, डी है 3 - 8 -5, एन है 22, चूंकि एस एन बराबर एन बाय टू 2a + n - 1 × d सूत्र होता है, एन का मान रख लिया 22, 22/2, 2 × a का मान 8 है, 22 - 1 और डी का मान -5 है, 8 × 2 = 16, 2 × 11 = 11 बार, 21 बचे यहाँ पे, 21 × 5 = 105, 105 में से 16 दें माइनस के 89 बचे, 11 गुणा कर दिया -979। अगला देखेंगे समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 200 के 100 पदों का योगफल बताओ। सॉल्व करेंगे इसे। तो एपी कितनी दी है 2, 4, 6, 200 तक के 100 पदों का योगफल, के 100 पदों का योगफल बताना है हमें, 100 पदों का योगफल। तो प्रथम पद ए है 2। तीसरा सवाल देखेंगे, देखिए तीसरा सवाल देखते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवां पद इतना है। तो हमें 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे, एनवां पद दिया है, एनवां पद 3 + 2n, 3 + 2n, एन है 24। अब हमें 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सूत्र होगा एस एन बराबर एन बाई टू और ए प्लस 24, तो ए मतलब प्रथम पद भी चाहिए, तो प्रथम पद n का मान 1 रख लेंगे, n बराबर 1 रखने पर
वन रखेंगे, ए वन थ्री प्लस टू इंटू वन, तीन दो पाँच आ गया प्रथम पद। चौबीस रखेंगे, ए चौबीस बराबर थ्री प्लस दो गुणे चौबीस, चौबीस दूनी अड़तालीस और तीन इक्यावन। अब सूत्र लगाएंगे हम, चूँकि एस एन बराबर एन बाई टू और ए वन प्लस ए चौबीस, यानी कि पहले पद से लेकर चौबीस पदों तक योग ज्ञात करना है। तो पहला पद और चौबीसवां पद, मतलब ये अंतिम पद भी कह सकते हैं इसे, तो एस चौबीस, चौबीस बटे दो, ए वन का मान है फाइव और ए चौबीस का मान है इक्यावन, दो से कट जाएगा बारह बार इंटू जे हो गया छप्पन, बारह छः बहत्तर की दो हासिल लाइन सात, बारह पंच साठ और साठ सड़सठ हो गया, बारह छः बहत्तर सात हासिल बारह पंच साठ और सात सड़सठ। देखो तो समान श्रेणी के प्रथम चौबीस पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका एन वा पद ए एन थ्री प्लस टू एन है, सॉल्व करिए, हमने एन पद दिया है इतना, एन बराबर चौबीस दिया है, तो इसका हमने पहला पद निकाल लिया, एन बराबर वन रखने पर बन रख लिया तो पहला पद आ गया, क्योंकि हमें यदि 24 पदों का योगफल निकालना है तो एक से निकालना पड़ता है प्रथम पद से, तो ए 24 3 प्लस 2 गुणे 24, 24 दूनी 48 और तीन इक्यावन, चूँकि एस एन बराबर एन वाई टू, ए वन प्लस ए 24 मान रख दिया इसमें, सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखें, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद वन तथा 20वां पद 58 है, प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो, 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, बिल्कुल सरल सवाल है, सॉल्व करेंगे। प्रथम पद ए वन है, 20वां पद 58 है और 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें, तो चूंकि एस एन बराबर एन वाई टू, ए प्लस ए बीस, बीस बीस बटे दो, एन का मान 20 हो गया, प्रथम पद वन है और 20वां पद 58 है, दो से 10 बार गुणे 58 एक 59, यानी 590 आ गया इसका उत्तर, कितना आ गया 590 आंसर, यानी 20 पदों का योगफल आ गया 590। तो वे कह रहे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद वन तथा 20वां पद 58 है, प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो पहला पद वन है प्रथम पद और 20वां पद 58 है, 20 पदों का एन बराबर 20, एस एन बराबर एन बाई टू, ए प्लस ए 20, एस एन 20 हो गया, 20 बटे दो, ए वन वन है, 20 है 58, 58 एक 59 हो जाए, दो से जे 20 में भाग 10 बार, 10 का गुणा हो गया 590। अगला पांचवा सवाल देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका दूसरा पद 8 तथा चौथा पद 4 है, सॉल्व करेंगे इसे। 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 21 पदों का योगफल तो हमें ज्ञात करना है, बेकर है जिसका दूसरा पद 8 है, दूसरा पद ए टू, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, 8 है समीकरण नंबर एक, दूसरा पद ए प्लस डी 8 है, तथा चौथा पद ए फोर यानी ए प्लस थ्री डी बराबर 4 है समीकरण नंबर दो, इन्हें सॉल्व करेंगे हम घटाने पर, माइनस 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 जे कट गए, 3d में से 1d चले जाए ऋण के 2d बराबर 8 में 4 जे 4 बचे, d बराबर 2 दूनी 4, d का मान आ गया 2, डी का मान समीकरण एक में रखने पर डी का मान समीकरण एक में रखने पर ए डी का मान है ऋण 2 और बराबर 8, ए बराबर 2 उतर बजे जुड़ जाए 8 में, धन का हो जाएगा 10, ए का मान आ गया 10। अब ये कह रहे 21 पदों का योगफल ज्ञात करो,
भी कह रहा है 21 पदों का, तो 21वां पद भी निकाल सकते हैं हम, या डायरेक्ट सूत्र, क्योंकि एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस इसमें मान रखेंगे एस 21 बराबर 21 बटे दो टू, ए का मान है 10, एन का मान 21 है माइनस वन इंटू डी का मान है माइनस टू, 21 बटे दो, 10 दूनी 20, इतने बजे 20, 20 दूनी 40, 21 बटे दो गुणे ऋण के 20, दो से कट गए जी 10 बार, और 21 दशारम 220 माइनस 210 आंसर। मैं कह रहा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 8 तथा चौथा पद 4 हो। तो हमें 21 पदों का तो योगफल ज्ञात करना है, ये आ गया 21 पदों का माइनस 210 कैसे किया है। दूसरा पद भी कह रहे दूसरा पद 8 है, तो दूसरा पद a प्लस डी बराबर 8 और चौथा पद 4 है, a प्लस 3d बराबर 4, दो समीकरण बन गए। घटाने पर माइनस 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 घटा लिया, a से कैंसिल, 3d में से d गया माइनस 2, 8 में 4 गए 4, 2 दूनी 4, डी का मान समीकरण एक में रखा यहाँ पे माइनस दो, उत्तर 10। ये सूत्र है एस एन बराबर एन वाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान 21 बटे दो है, टू ए का मान 10 है प्लस एन का मान 21 माइनस वन इंटू डी का मान माइनस टू है, रख लिया दो इधम 20 हो गया, यहाँ पर 20 बचे, 20 दूनी 40, 40 में से 20 जे लड़के 20, दो इधम 20, 21 दशारम 210 माइनस टू। अगला है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका चौथा तथा नौवां पद क्रमशः माइनस 15 और माइनस 30 हो। सॉल्व करेंगे इसे, भी कह रहे प्रथम 17 पदों का एक फल ज्ञात करना है एस 17, तो हमें जी ज्ञात करना है, भी कह रहे जिसका चौथा और नौवां पद, देखो चौथा पद क्या होगा a 4 यानी a प्लस 3d, चौथा पद a प्लस 3d माइनस 15 है, तथा नौवां पद a 9 a प्लस 8d है, एक कम हो जाता है n माइनस 1 बराबर माइनस 30, समीकरण नंबर 2। घटाने पर माइनस माइनस प्लस माइनस है सो प्लस, ये कैंसिल, माइनस के 5d, 30 में से 15 आ जाए, 15 बचे, 5 थी 15, d का मान आ गया माइनस 3, d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर a प्लस 3, d का मान माइनस 3 बराबर माइनस 15 a, 3 तरका 9, 9 उत्तर बजे धन के हो जाए, 15 घट जाए 6 बजे लड़की। अब निकालेंगे हम 17 पदों का योगफल, चूँकि एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस 17, 17 बटे दो, टू ए का मान माइनस 6 प्लस 17 माइनस 1 और डी का मान माइनस 3, एस 17 है 17 बटे दो, 6 दूनी 12 माइनस के 12, इतने बचे 16, 16 थी 48, 17 बटे दो गुणे माइनस के 60 हो गए जी, 17 गुणे दो से भाग दें 60 में माइनस 30 बार, और 17 3 क्यों माइनस 510 आंसर। दोनों सवाल एक जैसे हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका चौथा और नौवां पद क्रमशः माइनस 15 और माइनस 30 हैं, तो चौथा पद a प्लस 3d माइनस 15 है, नौवां पद a प्लस 8d प्लस 30 माइनस 30 है, अब घटा दिया माइनस माइनस यहाँ लग जाएगा प्लस, ये घटा दे 8d में से 3d जी माइनस के 5d, 30 में से 15 15 5 थी 15, d का मान माइनस 3 चिन्ह आ गया, d का मान समीकरण एक में रखने पर a प्लस 3 इंटू डी का मान जी 3, 3 तरह का 9, 9 उत्तर बचे धन के हो जाए 9 और 6 15 ऋण के 6 बचे, एस एन बराबर सूत्र लगाए एन वाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
17 पदों का युगफल, एन है 17, 17 बटे दो, टू ए का मान है माइनस छः, 17 माइनस एक, डी का मान माइनस तीन, छः दूनी 12, ऋण के 12 हो गए, 16 बचे, 16 तीन 48, 48 बारह 60, दो से काटे 30 बार, 17 तीन के और माइनस 510 आंसर। अगला सवाल है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी n ज्ञात करना है हमें। सॉल्व करेंगे, वगैरह 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी इतने के कितने पद लेने चाहिए। हमने कहा कि n पद लेने चाहिए, कितने n, तो n हमें ज्ञात करने है, तो उनका योग दिया है 636 और AP दी है 9, 17, 25। तो इसका प्रथम पद है 9 और सार्वंतर है 17 माइनस 9 यानी 8। सूत्र लगाएंगे, क्योंकि SN बराबर n बाई टू, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN 636 है, n बाई टू, टू ए का मान है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 8। 636 बराबर n, दो से काट रहे हैं हम, चलो दो लिखी रन, दो अब दो नाम 18, 8n माइनस 8, 636 बराबर n बटे दो, 18 में से 8 जें 10 बचे, प्लस 8n, यहाँ करेंगे 636 बराबर n, दो पंचे 10, दो चौको 8, दो पंचे 10, दो चौको 8, दो को भाग दे रहा हूँ, दो पंचे 10, दो चौको 8, 4n स्क्वायर 5n माइनस 636 बराबर 0। इनके गुणनखंड कर लें, 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे n, 4n प्लस 53 माइनस 12, 12 चौक 48 प्लस 53 बराबर 0, तो 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बराबर 0। तो इसका उत्तर आ गया n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12 आंसर। सवाल है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। सॉल्व, हमने कहा n पद लेने चाहिए, 636 n पदों का योगफल हो गया। ए पी दी है 9, 17, 25, ए का मान 9 है, डी का मान 17 माइनस 9, 8 आ गया। अब चूंकि एस एन बराबर एन वाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन का मान 36, एन वाई टू, एन ज्ञात करना है, ए का मान है 9 रख दिया, एन माइनस वन इंटू डी का मान है 8, ये रख दिया, 636 एन वाई टू, 9 दूनी 18, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 18 में से 8 गए 10 बचे, दो पंचे 10, दो चौको 8, यहाँ से ठीक है। अब 4n स्क्वायर प्लस 5 जे इतर पर ले गए, ऋण के हो गए, इनके गुणनखंड कर ले, 53, 48 बन रहे थे गुणनखंड, पहले इस संख्या का इसमें गुणा करते हैं फिर उनके गुणनखंड निकालते हैं, तो घटा ये पहचाने थे हमें 5, बड़ी संख्या में चूंकि आगे का चिन्ह आएगा धन, यानी धन 53 में से ऋण 48 से धन के 5 ही बचे, ये अपने गुणनखंड कर लिया, n कॉमन, 4n प्लस 53 माइनस 12, 12 चौक 48 धन 53, 4n प्लस 53 n माइनस 12, चूँकि ये अपूर्ण संख्या है, काकि 4n प्लस 53 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, माइनस 53 बटे 4 है जो कि अमान हो जाएगी, तो n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर 12 आ गया आंसर। अगला सवाल है, अजय मुश्त है, कई बार पूछा गया है पेपर में, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है,
लोग, प्रथम पद हो गया 5, अंतिम पद L 45 है, और योग देखो प्रथम पद A 5 है, अंतिम पद 45, और योग योग 400 है। करें पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात करो। पदों की संख्या यानी N ज्ञात करना है हमें और D ज्ञात करना है। अब चूंकि A में तो कोई सूत्र लगा नहीं सकते, L से स्टार्ट होगा, चूंकि L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एल का मान है 45, A का मान है 5, प्लस N माइनस 1 इंटू डी है नैया, N माइनस 1 इंटू डी बराबर जी 5 उत्तर बचे 40 बचे, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक हो गया। अब एस एन का सूत्र बचा, चूंकि S बराबर N बाई 2 और A प्लस L लगा सकते हैं क्योंकि L दिया है, S दिया है 400, बराबर N का मान निकालना है और A का मान है 5 और L का मान है 45। 400 N बटे 2 गुणे 45 और 5 50, 400 बराबर 2 से काटेंगे 25 बार, 25 N बराबर 25 का भाग दें 16 बार जाएगा, 25 से कम 25, 75 150, आंसर 1 आ गया। N बराबर 16, समीकरण 1 में रखने पर N बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर N बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, 15 बच्चे और डी बराबर 40 बटे 15, डी 5 से 5 थी 15, 5 अट्ठे 40, 8/3 आंसर। सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद A 5 हो गया, अंतिम पद L 45 हो गया, पदों का योग S 400 हो गया, पदों की संख्या N और सार्वांतर जी हमें ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ से स्टार्ट होगा सूत्र, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, L 45, A का मान 5 है, N माइनस 1 इंटू डी है नहीं है जी, आ गया 5 घट गया 40। अब यहाँ से होगा S बराबर N बाई 2, A प्लस L 400, N बाई 2, A का मान 5 और अंतिम पद है 45, 50 हो गया, 2 से काटेंगे 25 बार, 25 16 400, N का मान 16 गया, N बराबर 16 समीकरण 1 में रखेंगे, 16 माइनस 6 15 डी बराबर 40, 15 बटे में काट दिया 5 से 5 अट्ठे 40, 5 थी 15 आंसर। अगला सवाल है, 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्तियाँ 20 लट्ठ, तो ए भी बनेगी सबसे नीचे 20, उससे अगली पंक्ति में 19 और उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठ, कुल लट्ठ हैं 200, कितनी पंक्तियों में एन ज्ञात करना है, रखे गए हैं सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठ हैं, तो वह एनवा पद भी ज्ञात करेंगे। क्योंकि प्रथम पद होगा 20 और सार्वांतर डी 19 माइनस 20 माइनस का 1, सूत्र लगाएंगे क्योंकि एस एन का सूत्र लगेगा, एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन है 200, एन बाई 2, 2a का मान है 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस 1, 200 एन बाई 2, 20 दूनी 40, ऋण एन धन 1, 400 एन 41 माइनस एन, 400 41 एन माइनस एन स्क्वायर, यही तरफ ले आए दोनों, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर 0। 25 16 400, 25 और 16 41, गुणनखंड हो गए, एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन
और प्लस 400 बराबर 0, ये गुणनखंड हो गए। एन कॉमन एन माइनस 25 माइनस 16 एन माइनस 25 बराबर 0, एन माइनस 25 और एन माइनस 16, एन माइनस 25 बराबर 0, एन बराबर 25 और एन माइनस 16 बराबर 0, एन बराबर 16। अब एन के मान 2 आए। अब चूंकि पहली पंक्ति में कितने रखे थे, 20 लट, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है, ये तो हो गया अमान्य कर दो। तो एन 16 हो सकता है, जो आखिरी में ऊपरी पंक्ति में 16, तो हम लिखें कुल पंक्ति बराबर 16 तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में लट, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे, यानी ए 16, 16 पद क्या होता है, ए प्लस 15d, ए का मान 20, 15, डी का मान माइनस 1, 20 में से 15 आ जाए 5, आंसर 5 लट होंगे।